वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। एक आदिम रात्रि की महक। फणीश्वर नाथ रेणु। न कर्मा को नींद नहीं आएगी, नए पक्के मकान में उसे कभी नींद नहीं आती। चूना और वार्निश का गंध के मारे उसकी कनपटी के पास हमेशा चौनी भर दर्द चिनचिनाता रहता है। पुरानी लाइन के पुराने स्टेशन, सब हजार पुराने हों, वहां नींद तो आती है। ले नाक के अंदर फिर सुरसुरी जगी ससुरी। कर्मा छींकने लगा, नए मकान में उसकी छींक गूंज उठी। कर्मा, नींद नहीं आती? बाबू ने कैंप खाट पर करवट लेते हुए पूछा। गमछे से नथुने को साफ करते हुए कर्मा ने कहा, यहाँ नींद कभी नहीं आएगी, मैं जानता था बाबू। मुझे भी नींद नहीं आएगी, बाबू ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। नई जगह में पहली रात मुझे नींद नहीं आती। कर्मा पूछना चाहता था कि नए पोख्ता मकान में बाबू को भी चूने की गंध लगती है क्या? कनपटी के पास दर्द रहता है हमेशा क्या? बाबू कोई गीत गुनगुनाने लगे। एक कुत्ता गश्त लगाता हुआ सिग्नल केबिन की ओर से आया और बरामदे के पास आकर रुक गया। कर्मा चुपचाप कुत्ते की नियत को ताड़ने लगा। कुत्ते ने बाबू की खटिया की ओर थूत ना ऊंचा करके हवा में सूंघा, आगे बढ़ा। कर्मा समझ गया, जरूर जूता खोर कुत्ता है साला। नहीं, सिर्फ सूंघ रहा था। कुत्ता अब कर्मा की ओर मुड़ा, हवा सूंघने लगा, फिर मुसाफिर खाने की ओर दुल की चाल से चला गया। बाप बू ने पूछा, तुम्हारा नाम कर्मा है या करमचंद या कर्मू? .. 7 दिन तक साथ रहने के बाद आज आधी रात के पहर में बाबू ने दिल खोलकर एक सवाल के जैसा सवाल किया है। बाबू, नाम तो मेरा कर्मा ही है। वैसे लोगों के हजार मुंह हैं, हजार नाम कहते हैं। नितया बाबू कोरमा कहते थे, घोस बाबू करीमा कहकर बुलाते थे, सिंह जी ने बद दिन कामा ही कहा और असगर बाबू तो हमेशा करम करम कहते थे। खुश रहने पर दिल लगी करते थे, हाय मेरे करम। नाम में क्या है बाबू? जो मन में आए कहिए। हजार नाम। तुम्हारा घर संथाल परगना में है या रांची हजारीबाग की ओर? कर्मा इस सवाल पर अचकचाया जरा। ऐसे सवालों के जवाब देते समय वह रमते जोगी की मुद्रा बना लेता है। घर, जहां धड़ वहां घर, माँ बाप भगवान जी। लेकिन बाबू को ऐसा जवाब तो नहीं दे सकता। .. बाबू भी खूब हैं। नाम का अर्थ निकाल कर अनुमान लगा लिया, घर संथाल परगना या रांची हजारीबाग की ओर होगा, किसी गांव में। कर्मा पर्व के दिन जन्म हुआ होगा, इसीलिए नाम कर्मा पड़ा। माथा, कपाल, होंठ और देह की गठन देखकर भी। .. बाबू तो बहुत गुणी मालूम होते हैं। अपने बारे में कर्मा को कुछ मालूम नहीं। ओ रब, बाबू नाम और कपाल देखकर सब कुछ बता रहे हैं। इतने दिन के बाद एक बाबू मिले हैं, गोपाल बाबू जैसे। कर्मा ने कहा, बाबू, गोपाल बाबू भी यही कहते थे। यह कर्मा नाम तो गोपाल बाबू का ही दिया हुआ है। कर्मा ने गोपाल बाबू का किस्सा शुरू किया। गोपाल बाबू कहते थे, आसाम से लौटती हुई कुली गाड़ी में एक डोको के अंदर तू पड़ा था, बिना बिल्टी रसीद के ही। लावारिस माल। .. चलो, बाबू को नींद आ गई। नाक बोलने लगी। गोपाल बाबू का किस्सा अधूरा ही रह गया। .. कुतवा फिर गश्त लगाता हुआ आया। यह कार्तिक का महीना है ना? ससुरा पस्त होकर आया है, हाँफ रहा है। ले तू भी यहीं सोएगा। साले की देह की गंध यहाँ तक आती है। थेत थेत, बाबू ने जगकर पूछा। तब क्या हुआ तुम्हारे गोपाल बाबू का? कुत्ता बरामदे के नीचे चला गया, उलट कर देखने लगा, गुर्राया, फिर दो तीन बार दबी हुई आवाज में बुफ बुफ कर जनाने मुसाफिर खाने के अंदर चला गया, जहाँ पैटमान जी सोता है। बाबू सो गए क्या? चलो, बाबू को फिर नींद आ गई। बाबू की नाक ठीक बबुआनी आवाज में ही डकती है। पैटमान जी तो लगता है लकड़ी चीर रहे हैं। गोपाल बाबू की नाक बीन जैसी बजती थी सुर में। असगर बाबू का खर्राटा। सिंह जी फुफकारते थे और साहू बाबू नींद में बोलते थे, एक डाउन दो गाड़ी छोड़ा। .. तार की घंटी, स्टेशन का घंटा, गार्ड साहब की सीटी, इंजन का बिगुल, जहाज का भोंपो, सेक्टों सीटियां, बिगुल भोंपा, भूं। हजार बार लाख बार कोशिश करके भी अपने को रेल की पटरी से अलग नहीं कर सका कर्मा। वह छटपटाया, चिल्लाया, मगर जरा भी टस से मज नहीं है ही उसकी देह। वह चिपका रहा, धड़धड़ाता हुआ इंजन गर्दन और पैरों को काटता हुआ चला गया। लाइन के एक ओर उसका सिर लुढ़का हुआ पड़ा था, दूसरी ओर दोनों पैर छिपके हुए। उसने जल्दी से अपने कटे हुए पैरों को बटोरा, अरे यह तो एंटोनी गाट साहब के बरसाती जूते का जोड़ा है। गमबूट, उसका सिर क्या हुआ? थेत थेत, ससुरा नाक कान बचा रहा। कर्मा, थेत थेत, उठ कर्मा, चाय बना। कर्मा धड़फड़ा कर उठ बैठा। लेट बिहान हो गया,
मालगाड़ी को थुरू पास करके पेटमान जी हाथ में बेत की कमानी घुमाता हुआ आ रहा है। साला ऐसा भी सपना होता है भला, 12 साल में पहली बार ऐसा अजूबा सपना देखा करमाने। 12 साल में एक दिन के लिए भी रेलवे लाइन से दूर नहीं गया कर्मा। इस तरह एक्सीडेंट वाला सपना कभी नहीं देखा उसने। कर्मा रेल कंपनी का नौकर नहीं, वह चाहता तो पोटक खलासी पेटमान या पानी पांडे की नौकरी मिल सकती थी। खूब आसानी से रेलवे नौकर में घुस सकता था, मगर मन को कौन समझाए। मन माना नहीं, रेल कंपनी का नीला कुर्ता और इंजन छाप बटन का शौक उसे कभी नहीं हुआ। रेल कंपनी क्या किसी की नौकरी कर्मा ने कभी नहीं की। नामधाम पूछने के बाद लोग पेशे के बारे में पूछते हैं। कर्मा जवाब देता है, बाबू के साथ रहते हैं। एक पैसा भी मुसहरा न लेने वालों को नौकर तो नहीं कह सकते। गोपाल बाबू के साथ लगातार 5 वर्ष, इसके बाद कितने बाबुओं के साथ रहा यह गिन कर बतलाना होगा। लेकिन एक बात है, रिलिफिया बाबू को छोड़कर किसी साल्टन बाबू के साथ वह कभी नहीं रहा। साल्टन बाबू माने किसी टिसन में परमानेंटी नौकरी करने वाला, फैमिली के साथ रहने वाला। जा रहे गोपाल बाबू, वैसा बाबू अब कहाँ मिले। कर्मा का माए बाप भाई बहन कुल परिवार जो बुझिए सब एक गोपाल बाबू। बिना बिल्टी रसीद का लावारिस माल था कर्मा, रेलवे अस्पताल से छुड़ाकर अपने साथ रखा गोपाल बाबू ने। जहाँ जाते कर्मा साथ जाता, जो खाते कर्मा भी खाता। लेकिन आदमी की मति को क्या कहिए, रिलिफिया काम छोड़कर साल्टानी काम में गए, फिर एक दिन शादी कर बैठे। बौमा गोपाल बाबू की फैमिली, राम हो राम। वह औरत थी साक्षात चुड़ैल। दिन भर गोपाल बाबू ठीक रहते, सांझ पड़ते ही उनकी जान चिड़िया की तरह लुकाती फिरती। आधी रात को कभी कभी स्पेशल पास करने के लिए बाबू निकलते, लगता अमेरिकन रेलवे इन जिनके बायलक में कोयला झोंक कर निकले हैं। कर्मा क्वार्टर के बरामदे पर सोता था, 3 महीने तक रात में नींद नहीं आई कभी। बौमा फू फू करती, बाबू मिनमिना कुछ बोलते, फिर शुरू होता रोना कराहना, गाली गलौज, मारपीट। बाबू भागकर बाहर निकलते और वह औरत झपटकर माथे का केश पकड़ लेती। तब कर्मा ने एक उपाय निकाला, ऐसे समय में वह उठकर दरवाजा खटखटाकर कहता, बाबू स्पेशल का कल बोलता है। बाबू की जान कितने दिनों तक बचाता कर्मा। बौमा एक दिन चिल्लाई, ए छोकरा हरामजदा के दूर करो, यह चोर है चोरा। इसके बाद से ही किसी टिसन के फैमिली क्वार्टर को देखते ही कर्मा के मन में एक पतली आवाज गूंजने लगती है, चोरा हरामजदा, फैमिली क्वार्टर ही क्यों, जनाना मुसाफिर खाना, जनाना दर्जा, जनाना जनाना नाम से ही कर्मा को उबकाए आने लगती है। एक ही साल में गोपाल बाबू को हार गोड़ सहित चबा कर खा गई वह जनाना। फूल जैसे सुकुमार गोपाल बाबू, जिंदगी में पहली बार फूट फूट कर रोया था कर्मा। रमता जोगी, बहता पानी और रिलिफिया बाबू, हेडक्वार्टर में 24 घंटे हुए कि परवाना कटा, फलाने टिशन का मास्टर बीमार है, सिक रिपोर्ट आया है, तुरंत ज्वाइन करो। रिलिफिया बाबू का बोरिया बिस्तर हमेशा रेडी रहना चाहिए, कम से कम 1 सप्ताह। रिलिफिया बाबू लकड़ी के एक बक्से में सारी गुहस्थी बंद करके आज यहाँ कल वहाँ, पानीपाड़ा से भातगांव, कुरेहा से रौताड़ा, पीर हेडक्वार्टर कटिहार। गोपाल बाबू ने ही घोष बाबू के साथ लगा दिया था, खूब भालो बाबू, अच्छी तरह रखेगा। लेकिन घोष बाबू के साथ 1 महीना से ज्यादा नहीं रह सका कर्मा। घोष बाबू की बेवजह गाली देने की आदत, गाली भी बहुत खराब खराब, माँ बहन की गाली। इसके अलावा घोष बाबू में कोई ऐब नहीं था, अपने सामान की तरह रखते थे। घोष बाबू आज भी मिलते हैं तो गाली से ही बात शुरू करते हैं कि रे कर्मा किसका साथ में है आजकल मादर्च। घोष बाबू को माँ बहन की गाली देने वाला कोई नहीं, नहीं तो समझते कि माँ बहन की गाली सुनकर आदमी का खून किस तरह खौलने लगता है। किसी भल आदमी को ऐसी खराब गाली बकते नहीं सुना है कर्मा ने आज तक। राम बाबू की सब आदत ठीक थी, लेकिन भारी इसकी आदमी जिस स्टेशन में जाते पेटमान पोटर सुपर को एकांत में बुलाकर घुसर फुसर बतियाते। फिर रा तमे कभी मालगोदाम की ओर तो कभी जनाना मुसाफिर खाना में तो कभी जनाना पैखाना में, छे छे जहां जाते छुछुआते रहते, क्या जी असल माल वाल का कोई जोगाड़ जंतर नहीं लगेगा। आखिर वही हुआ जो कर्मा ने कहा था, माल ही उनका काल हुआ। पिछले साल जोगबनी लाइन में एक नेपाली ने खुकरी से 2 टुकड़ा काट कर रख दिया और उड़ाऊ माल, जैसी अपनी इज्जत वैसी पराई।
सिंह जी भारी पुजेगरी, सिया सहित राम लक्ष्मण की मूर ती हमेशा उनकी झोली में रहती थी। रोज 4 बजे भोर से ही नहाकर पूजा की घंटी हिलाते रहते। इधर काल की घंटी बजती। जिस घर में ठाकुर जी की झोली रहती उसमें बिना नहाए कोई पैर भी नहीं दे सकता। कोई अपनी देह को उस तरह बांध कर हमेशा कैसे रह सकता है। कौन दिन में 10 बार नहाए और 1000 बार पैर धोए। सो भी जाड़े के मौसम में जहाँ कुछ छुओ की हाँ अरे रे रे छू दिया ना, ऐसे छुतः आदमी को रेल कंपनी में आने की क्या जरूरत। सिंह जी का साथ नहीं निभ सका। .. साहू बाबू दरिया दिल आदमी थे, मगर मदकी ऐसे कि दिन दोपहर को 50 दारू एक बोतल पीकर मालगाड़ी को थुरुपास दे दिया और गाड़ी लड़ गई। कर्मा को याद है, एक्सीडेंट की खबर सुनकर साहू बाबू ने फिर एक बोतल चढ़ा लिया। आखिर डॉक्टर ने दिमाग खराब होने का सर्टिफिकेट दे दिया। .. लेकिन उस एक्सीडेंट के समय भी किसी रात को कर्मा ने ऐसा सपना नहीं देखा। .. न भोर भार ऐसी कुलच्छन भरी बात बाबू को सुनाकर कर्मा ने अच्छा नहीं किया। रेलवे की नौकरी में अभी तुरंत घुसवे किए हैं। .. न बाबू के मिजाज का टेर पता अब तक कर्मा को नहीं मिला है। करीब 1 सप्ताह तक साथ में रहने के बाद कल रात में पहली बार दिल खोलकर 2 सवाल जवाब किया बाबू ने। इसीलिए सुबह को कर्मा ने दिल खोलकर अपने सपने की बात शुरू की थी। चाय की प्याली सामने रखने के बाद उसने हंसकर कहा, हन बाबू प्र तमे हमे कजूबा सपना देखा। धड़धड़ाता इंजन, लाइन पर चिपकी हमारी देह टस से मज नहीं, सिर इधर और पैर लाइन के उधर। एंटोनी गाथ साहब के बरसाती जूते का जोड़ा, गम्बोट धेत, क्या बेसिर पैर की बात करते हो। सुबह सुबह गांजा वांजा पीता है क्या। .. कर्मा ने बाबू को सपने की बात सुनाकर अच्छा नहीं किया। कर्मा उठकर ताखे पर रखे हुए आईने में अपना मुंह देखने लगा। उसने अजू ऊ बा कहकर देखा। छह उसके होंठ तीतर की चोच की तरह का करमचन का बन रहा है। .. पानी पांडे भला आदमी है, पुरानी जान पहचान है इससे कर्मा की, कई टिसन में संगत हुआ है, लेकिन यह पैटमान लटपटिया आदमी मालूम होता है, हर बात में पुछ पुछ कर हंसने वाला। करमचन बाबू कौन जाति के हैं, क्यों बंगाली हैं। भैया बंगाली में भी 12.5 बरन के लोग होते हैं। पानी पांडे जाते जाते कह गया, थोड़ी तरकारी बचा कर रखना करमचन। .. घर कहाँ, कौन जाति। मनिहारी घाट के मस्ताना बाबा का सिखाया हुआ जवाब, सभी जगह नहीं चलता, हरी के भजे सो हरी के होई। मगर हरी की भी जाति थी। ले यह घटी गाड़ी का इंजन कैसे भेज दिया इस लाइन में आज, संथाली बांसी जैसी पतली। .. ले फक्का, एक भी पैसेंजर नहीं उतरा इस गाड़ी से भी, काहे को इतना खर्चा करके रेल कंपनी ने यहाँ टिसन बनाया, कर्मा के बुद्धि में नहीं आता। फायदा बस नाम ही आदमपुरा है, आमद नी नदारद। 7 दिन में 2 टिकट कटे हैं और सिर्फ 5 पैसेंजर उतरे हैं, इसमें 2 बिना टिकट के। इतने दिन के बाद 15 बोरा बैंगन उस दिन बुक हुआ। 15 बैंगन देकर ही काम बना लिया उस बूढ़े ने। उस बैंगन वाले की बोली बानी अजीब थी। कर्मा से खुलकर गप करना चाहता था बूढ़ा। घर कहाँ है, कौन जाति, घर में कौन कौन है। कर्मा ने सभी सवालों का एक ही जवाब दिया था, ऊपर की ओर हाथ दिखलाकर। बूढ़ा हंस पड़ा था, अजीब हंसी। .. घटी गाड़ी। कर्मा मनिहारी घाट टिसन में भी रहा है, 3 महीने तक एक बार, 1 महीना दूसरी बार। मनिहारी घाट टिसन की बात निराली है, कहाँ मनिहारी घाट और कहाँ आदमपुरा का यह पिद्दी टिसन। .. नई जगह में नए टिसन में पहुंचकर आसपास के गांवों में एकाद चक्कर घूमे फिरे बिना कर्मा को न जाने कैसा कैसा लगता है। लगता है अंधकूप में पड़ा हुआ है। वह डिसटन सिंगल के उस पार दूर दूर तक खेत फैले हैं, वह काला जंगल, ताड़ का वह अकेला पेड़। आज बाबू को खिला पिला कर कर्मा निकलेगा। इस तरह बैठे रहने से उसके पेट का भात नहीं पिचेगा। यदि गाँव घर और खेत मैदान में नहीं घूमता फिरता तो वह पेड़ पर चढ़ना कैसे सीखता, तैरना कहाँ सीखता। .. लखपतिया टिसन का नाम कितना जब्बड़ है, मगर टिसन पर एक सत्तू फरही की भी दुकान नहीं। आसपास में 5 कोस तक कोई गांव नहीं, मगर टिसन से पूरब जो 2 पोखरे हैं उन्हें कैसे भूल सकता है कर्मा। आईना की तरह झलमलाता हुआ पानी, बैसाख महीने की दोपहरी में घंटों गले भर पानी में नहाने का सुख मुंह से कहकर बताया नहीं जा सकता। .. मुदा कदमपुरा सचमुच कदमपुरा है। टिसन सा शुरू करके गांव तक 1000 कदम के पेड़ हैं। कदम की चटनी खाए एक युग हो गया। ..
वारिसगंज टिसन बीच कस्बा में है। बड़े बड़े मालगोदाम, हजारों गांठ पाट धान चावल के बोरे, कोयला सीमेंट चूना की ढेरी, हमेशा हजारों लोगों की भीड़। कर्मा को किसी का चेहरा याद नहीं, लेकिन टिसन से सटे उत्तर की ओर मैदान में तंबू डालकर रहने वाले गदहा वाले मगहिया डोमो की याद हमेशा आती है। घाघरे वाली औरतें, हाथ में बड़े बड़े कड़े, कान में झुमके, नंगे बच्चे, कान में गोल गोल कुंडल वाले मर्द, उनके मुर्गे, उनके कुत्ते, डॉट डॉट डॉट। बथना टिसन के चारों ओर हजार घर बन गए हैं। कोई प्रतीत करेगा कि 5 साल पहले बथना टिसन पर दिन दोपहर को टिटही बोलती थी, डॉट डॉट डॉट। कितनी जगहों, कितने लोगों की याद आती है। सोनबरसा के आम, कालूचक की मछलियां, भटोतर की दही, कुसियार गांव का ऊख, डॉट डॉट डॉट। मगर सबसे ज्यादा आती है मनिहारी घाट टिसन की याद। एक तरफ धरती, दूसरी ओर पानी, इधर रेलगाड़ी, उधर जहाज, इस पार खेत गांव मैदान, उस पार साहिबगंज गजरोटिया का नीला पहाड़, नीला पानी, सादा बालू। 3-1-4-4 महीने तक 300 दिन गंगा में नहाया है कर्मा। 4 जन्म तक पाप का कोई असर तो नहीं होना चाहिए। इतना बढ़िया नाम शायद ही किसी टिसन का होगा, मनिहार, बलिहारी। मिछुवे जब नाव से मछलियां उतारते तो चमक के मारे कर्मा की आंखें चौंधिया जाती, डॉट डॉट डॉट। रात में उधर जहाज चला जाता, धू धू करता हुआ, इधर गाड़ी छिकछिकाती हुई कटिहार की ओर भागती। अजूसा की दुकान की झांपी बंद हो जाती, तब घाट पर मस्तान बाबा की मंडली जुटती, डॉट डॉट डॉट। मस्तान बाबा कुली कुल के थे, मनिहारी घाट पर ही कुली का काम करते थे। एक बार मन ऐसा उदास हो गया कि दाढ़ी और जटा बढ़ाकर बाबा जी हो गए, खंजड़ी बजाकर निर्गुण गाने लगे। बाबा कहते, घाट घाट का पानी पीकर देखा, सब फीका, एक गंगाजल मीठा। बाबा एक चिलम गांजा पीकर 5 किस्सा सुना देते, सब वेद पुराण का किस्सा। कर्मा ने ज्ञान की 2-4 बोली मनिहारी घाट पर ही सीखी, मस्तान बाबा के सत्संग में, लेकिन गांजा में उसने कभी दम नहीं लगाया। आज बाबू ने झुंझला कर जब कहा, गांजा वांजा पीते हो क्या, तो कर्मा को मस्तान बाबा की याद आई। बाबा कहते, हर जगह की अपनी खुशबू बदबू होती है, इस आदमपुरा की गंध के मारे कर्मा को खाना पीना नहीं रुचता, डॉट डॉट डॉट। मस्तान बाबा को बात देकर मनिहारी घाट की याद कभी नहीं आती। कर्मा ने ताखे पर रखे आईने में फिर अपना मुखड़ा देखा। उसने आंखें अधमुंदी करके दांत निकालकर हंसते हुए मस्तान बाबा के चेहरे की नकल उतारने की चेष्टा की, मस्त रहो, सदा आंख कान खोल कर रहो, धरती बोलती है, गाछ वृक्ष भी अपने लोगों को पहचानते हैं। फसल को नाचते गाते देखा है कभी, रोते सुना है कभी अमावस्या की रात को, है मस्त रहो, डॉट डॉट डॉट। कर्मा को क्या पता कि बाबू पीछे खड़े हो कर सब तमाशा देख रहे हैं। बाबू ने अचरज से पूछा, तुम जगह जगह खड़े होकर भी सपना देखता है, कहता है कि गांजा नहीं पीता। सचमुच वह खड़ा खड़ा सपना देखने लगा था। मस्तान बाबा का चेहरा बरगद के पेड़ की तरह बड़ा है ता गया, उसकी मस्त हंसी आकाश में गूंजने लगी, गांजे का धुआं उड़ने लगा, गंगा की लहरें आई, दूर जहाज का भोंपा सुनाई पड़ा, भूं। बाबू ने कहा, खाना परोसो, देखूं क्या बनाया है, तुमको लेकर भारी मुश्किल है। मुंह का पहला कौर निगल कर बाबू कर्मा का मुंह ताकने लगे, लेकिन खाना तयो बहुत बढ़िया बनाया है। खाते खाते बाबू का मन मिजाज एकदम बदल गया, फिर रात की तरह दिल खोल कर गप करने लगे, खाना बनाना किसने सिखलाया तुमको? गोपाल बाबू की घरवाली ने, उद्धरण, डॉट डॉट डॉट। गोपाल बाबू की घरवाली, माने बौमा, वह बोला। बौमा का मिजाज तो इतना खट्टा था कि बोली सुनकर कड़ाही का ताजा दूध फट जाए, वह किसी को क्या सिखावेगी, फूहड़ औरत, और यह बात बनाना किसने सिखलाया तुमको? कर्मा को मस्तान बाबा की बानी याद आई, बाबू सिखलाएगा कौन, सहर सिखाए कोतवाली, तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। बाबू का मन मिजाज इसी तरह ठीक रहा तो एक दिन कर्मा मस्तान बाबा का पूरा किस्सा सुनाएगा। बाबू, आज हमको जरा छुट्टी चाहिए। छुट्टी क्यों, कहाँ जाएगा? कर्मा ने एक और हाथ उठाते हुए कहा, जरा उधर घूमने फिरने। पैटमान जी ने पुकार कर कहा, कर्मा, बाबू को बोलो कल बोलता है, डॉट डॉट डॉट, तुम्हारी बीबी को खूब आराम होगा। कर्मा की बीबी, वारिसगंज टिसन, मगहिया डोमो के तंबू, उठती उम्र वाली छोड़ी, नाक में नथिया, नाक और नथिया में जमे हुए काले मेले, पीले दांतों में मिस्सी। कर्मा अपने हाथ का बना हुआ हलवा पूरी उस छोड़ी को नहीं खिला सका। एक दिन कागज की पुड़िया में ले गया, लेकिन वह पसीने से भीग गया, उसकी हिम्मत ही नहीं हुई। यदि यह छोड़िया चिल्लाने लगे कि तुम हमको चुरा छिपा कर हलवा काहे खिलाता है, डॉट ओ मैं यो 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 यो,
बाबू हजार कहे, कर्मा का मन नहीं मानता कि उसका घर संथाल परगना या रांची की ओर कहीं होगा। मनिहारी घाट में दो दो बार रह आया है, वह सपार के साहिबगंज कचरौटिया के पहाड़ ने उसको अपनी ओर नहीं खींचा कभी। और वारिसगंज, कदमपुरा, कालूचक, लखपतिया का नाम सुनते ही उसके अंदर कुछ झंझना उठता है। जाने पहचाने अचीने कितने लोगों के चेहरों की भीड़ लग जाती है, कितनी बातें सुख दुख की। खेत खलिहान, पेड़ पौधे, नदी पोखरे, चिड़ई चुरमुन सभी एक साथ टांते हैं कर्मा को। सात दिन से वह काला जंगल और ताड़ का पेड़ उसको इशारे से बुला रहे हैं। जंगल के ऊपर आसमान में तैरती हुई चील आकर कर्मा को क्यों पुकार जाती है, क्यों? रेलवे हाथा पार करने के बाद भी जब कुत्ता नहीं लौटा तो कर्मा ने झिड़की दी, तू कहाँ जाएगा ससुर? जहाँ जाएगा झांव झांव करके कुत्ते दौड़ेंगे, जा भाग भाग। कुत्ता रुककर कर्मा को देखने लगा। धनखेतों से गुजरने वाली पगडंडी पकड़कर कर्मा चल रहा है। धान की बालियां अभी फूटकर निकली नहीं हैं। कर्मा को हेडक्वार्टर के चौधरी बाबू की गर्भवती घरवाली की याद आई। सुना है डॉक्टरनी ने अंदर का फोटो लेकर देखा है, जुड़वा बच्चा है पेट में। इधर हथिया नक्षत्र अच्छा झरा था, खेतों में अभी भी पानी लगा हुआ है। मछली पानी में मांगुर मछलियों को देख कर कर माँ की देह अपने आप बंध गई। वह सांस रोककर चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे खेत की मेंद पर चला गया। मछलियां छलमलाईं, आईने की तरह थिर पानी अचानक नाचने लगा। कर्मा कया करे, उधर की मेंद से सटा कर एक छेनका देकर पानी को उलीच दिया जाए तो। है साले बन का गीदड़ जाएगा किधर, और छलमलाओ। अरे कांटा कर्मा को क्या मारता है, कर्मा नया शिकारी नहीं। आठ मांगुर और एक गहरी मछली, सभी काली मछलियां। काट हार हाट में इसी का दाम बेखिट के 3 रुपयों ले लेता। कर्मा ने गमछे में मछलियों को बांध लिया। ऐसा संतोख उसको कभी नहीं हुआ इसके पहले। बहुत बहुत मछली का शिकार किया उसने। एक बूढ़ा भैंसवार मिला जो अपनी भैंस को खोज रहा था। ए भाया, उधर किसी भैंस पर नजर पड़ी है। भैंसवार ने कर्मा से एक बीड़ी मांगी। उसको अचरज हुआ, कैसा आदमी है, न बीड़ी पीता है न तंबाकू खाता है। उसने नाराज होकर जिरह शुरू किया, इधर कहाँ जाना है, गांव में तुम्हारा कौन है, मछली कहाँ ले जा रहे हो? ताड़ का पेड़ तो पीछे की ओर घसकता जाता है। कर्मा ने देखा गांव आ गया, गांव में कोई तमाशा वाला आया है, बच्चे दौड़ रहे हैं। हाँ भालू वाला ही है, डमरू की बोली सुनकर कर्मा ने समझ लिया था। गांव की पहली गंध, गंध का पहला झोंका। गांव का पहला आदमी, यह बूढ़ा गोभी को पानी से पटा रहा है। बाल सादा हो गए हैं मगर पानी भरते समय बाह में जवानी एंटती है। अरे यह तो वही बूढ़ा है जो उस दिन बैंगन बुक कराने गया था और कर्मा से घुल मिलकर गप करना चाहता था। कर्मा से खोद खोद कर पूछता था, माए बाप है नहीं या माए बाप को छोड़ भाग आए हो? ले उसने भी कर्मा को पहचान लिया। क्या है भाई, इधर किधर? ऐसे ही घूमने फिरने, आपका घर इसी गाँव में है, बूढ़ा हंसा। घनी मूंछे खिल गई। बूढ़ा ठीक सत्तो बाबू टीटी के बाप की तरह हंसता है। एक लाल साड़ी वाली लड़की हुक्के पर चिलम चढ़ाकर फूंकती हुई आई। चिलम को फूंकते समय उसके दोनों गाल गोल हो गए थे। कर्मा को देखकर वह ठिठकी, फिर गोभी के खेत के बाड़े को पार करने लगी। बूढ़े ने कहा, चल बेटी, दरवाजे पर ही हम लोग आ रहे हैं। बूढ़ा हाथ पैर धोकर खेत से बाहर आया, चलो। लड़की ने पूछा, बाबा यह कौन आदमी है? भालू नचाने वाला आदमी। देख कर्मा लजाया, क्या उसका चेहरा मोहरा भालू नचाने वाले जैसा है? बूढ़े ने पूछा, तुम रिलिफिया बाबू के नौकर हो ना? नहीं नौकर नहीं, ऐसे ही साथ में रहता हूँ। ऐसे ही साथ में? तलब कितना मिलता है? साथ में रहने पर तलब कितना मिलेगा? बूढ़ा हुक्का पीना भूल गया, बोला, बस बेतलब का ताबेदार। बूढ़े ने आंगन की ओर मुंह करके कहा, सरसतिया जरा माए को भेज दो यहाँ। एक कमाल का आदमी, बूढ़ी टट्टी की आड़ में खड़ी थी, तुरंत आई। बूढ़े ने कहा, जरा देखो इस किल्ला ठूंक जवान को, पेट भात पर खिटता है। क्यों जी, कपड़ा भी मिलता है, इसी को कहते हैं पेट माधुराम मर्द। आंगन में एक पतली खिलखिलाहट, भालू नचाने वाला कहीं पड़ोस में ही तमाशा दिखा रहा है। डमरू ने इस ताल पर भालू हाथ हिला हिला कर थब्बड़ थब्बड़ नाच रहा होगा थुथना ऊंचा करके। अच्छा जी भोले राम। सैकड़ों खिलखिलाहट, तुम्हारा नाम क्या है जी? करमचंद। वाह नाम तो खूब सगुनिया है, लेकिन काम? काम चुलाहचंद।
कर्मा ने लजाते हुए बात को मोड़ दिया। आपके खेत का बैंगन बहुत बढ़िया है, एकदम घी जैसा। बूढ़ा मुस्कराने लगा और बूढ़ी की हंसी कर्मा की देह में जान डाल देती है। वह बोली, बेचारे को दम तो लेने दो, तभी से रगेट रहे हो। मछली है, बाबू के लिए ले जाओगे? नहीं, ऐसे ही रास्ते में शिकार। सरसतिया की माए, मेहमान को चूड़ा भूनकर मछली की भाजी के साथ खिलाओ। एक दिन दूसरे के हाथ की बनाई मछली खा लो जी। जलपान करते समय कर्मा ने सुना, कोई पूछ रही थी, ए सरसतिया की माए, कहाँ का मेहमान है? कटिहार का। कौन है? कुटुम्ब ही है। कटिहार में तुम्हारा कुटुम्ब कब से रहने लगा? हाल से ही। डॉट डॉट डॉट। फिर एक खिलखिलाहट, कई खिलखिलाहट। चिलम फूंकते समय सा रसतिया के गाल मौसम्बी की तरह गोल हो जाते हैं। बूढ़ी ने दुलार भरे स्वर में पूछा, अच्छा ये बबुआ, तार के अंदर से आदमी की बोली कैसे जाती है? हमको जरा खुलासा करके समझा दो। चलते समय बूढ़ी ने धीरे से कहा, बूढ़ की बात का बुरा न मानना, जब से जवान बेटा गया तब से इसी तरह उखड़ी उखड़ी बात करता है। कलेजे का घाव, एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। लौटते समय कर्मा को लगा, तीन जोड़ी आंखें उसकी पीठ पर लगी हुई हैं। आंखें नहीं, डिसिटन सिंगल, होम सिंगल और पैट सिंगल की लाल गोल गोल रोशनी। जिस खेत में कर्मा ने मछली का शिकार किया था उसकी मेंद पर एक ढोड़िया सांप बैठा था। फूंफू करता भागा, हद है, कुत्ता अभी तक बैठा उसकी राह देख रहा था। खुशी के मारे नाचने लगा कर्मा को देखकर। रेलवे हाता में आकर कर्मा को लगा, बूढ़े ने उसको बनाकर ठग लिया। 3 रुपए की मोटी मोटी मांगुर मछलियां, एक चुटकी चूड़ा खिलाकर, 4 खट्टी मीठी बात सुनाकर। डॉट डॉट डॉट। कर्मा ने मछली की बात अपने पेट में रख ली, लेकिन बाबू तो पहले से ही सब कुछ जान लेने वाला, अगर जानी है। दो हाथ दूर से ही बोले, कर्मा तुम्हारी देह से कच्ची मछली की बास आती है, मछली ले आए हो? डॉट डॉट डॉट। कर्मा क्या जवाब दे अब, जिंदगी में पहली बार किसी बाबू के साथ उसने विश्वासघात किया है। मछली देखकर बाबू जरूर नाचने लगते। 15 दिन देखते देखते ही बीत गया। अभी रात की गाड़ी से टिसन के साल्टन मास्टर बाबू आए हैं बाल बच्चों के साथ। 15 दिन से चुप फैमिली क्वार्टर में कोहराम मचा है। भोर की गाड़ी से ही कर्मा अपने बाबू के साथ हेड क्वार्टर लौट जाएगा, इसके बाद मनेहारी घाट। डॉट डॉट डॉट। न आज रात भी कर्मा को नींद नहीं आएगी, नहीं अब वार्निश चुने की गंध नहीं लगती, बाबू तो मजे से सो रहे हैं। बाबू सचमुच में गोपाल बाबू जैसे हैं, न किसी की जगह से तिल भर मोह, न रत्ती भर माया। कर्मा क्या करे, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। एक दिन फिर आना, अपना ही घर समझना। कुटुम है, पेट माधुराम मद। डॉट डॉट डॉट। अचानक कर्मा को एक अजीब सी गंध लगी। वह उठा, किधर से यह गंध आ रही है? उसने धीरे से प्लेटफॉर्म पार किया, चुपचाप सूंघता हुआ आगे बढ़ता गया। रेलवे लाइन पर पैर पड़ते ही सभी सिंगल, होम, डिसिटेट और पैट जोर जोर से बिगुल फूंकने लगे। फैमिली क्वार्टर से एक औरत चिल्लाने लगी, चोरा। वह भागा, एक इंजन उसके पीछे पीछे दौड़ा आ रहा है। मगहिया डोम की छौनी, तंबू में वह छिप गया। सरसतिया खिलखिलाकर हंसती है, उसके जबरे केश, बिनहाई हुई देह की गंध कर्मा के प्राण में समा गई। वह डरकर सरसतिया की गोद में, नहीं उसकी, बूढ़ी माँ की गोद में अपना मुंह छिपाता है। रेल और जहाज के भूपे एक साथ बजते हैं, सिंगल की लाल लाल रोशनी। कर्मा उठ, कर्मा सामान बाहर निकालो। डॉट डॉट डॉट। कर्मा एक गंध के समुद्र में डूबा हुआ है। उसने उठकर का रता पहना, बाबू का बक्सा बाहर निकाला। पानी पांडे ने कहा, सुना, माफ करना, कहा। कर्मा डूब रहा। डॉट डॉट डॉट। गाड़ी आई, बाबू गाड़ी में बैठे, कर्मा ने बक्सा चढ़ा दिया। वह सर्वेंट दर्जा में बैठेगा, बाबू ने पूछा, सब कुछ चढ़ा दिया तो कुछ छूट तो नहीं गया? नहीं, कुछ छूटा नहीं है। गाड़ी ने सीटी दी। कर्मा ने देखा, प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ कुत्ता उसकी ओर देखकर कुंकुं कर रहा है, बेचैन हो गया कुत्ता। बाबू क्या है, मैं नहीं जाऊंगा। कर्मा चलती गाड़ी से उतर गया, धरती पर पैर रखते ही ठोकर लगी, लेकिन संभल गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।